पार्टी की राय लेके करना पड़ता है। पहले पार्टी में फैसला क्या हुआ, किसी के साथ भी अगर बातचीत करना है देवेगौड़ा कुमार स्वामी सीएम इब्राहिम तीनों मिलके करेंगे, यही पार्टी का फैसला था जी सर। लेकिन वो किए नहीं, मुझे पूछे बगैर गए, तो इसलिए मैं उनको जाके आने के बाद उनसे बात ही नहीं किया। वो मुझे फोन करने की कोशिश करे, मैं बोला नहीं, पहले मैं अपने लोगों को मिलूंगा, इनकी राय लेके फिर आपसे बात करूंगा। लेकिन एज ए पार्टी बीजेपी के साथ जाना है, इसमें जो है मैं खिलाफ। सर अगर 16 तारीख को किसी प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम डिसीजन लेते हैं कि जेडीएस से बाहर आना था, सिर्फ मुसलमान बाहर रहेंगे क्या, डिसग्रंटल लीडर जो वक्कलिगा है, कभी भी ये है, वो भी साथ आएंगे? कभी भी मैं मजहब के नाम पे, जात के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं किया हूं। कमजोर आदमी करता है वो, लेकिन इस कौम का विखार और वजूद उठा के चलना भी बड़ा फर्ज है। इस कौम को दूसरे कौमों के साथ साथ ले जाना भी मेरा काम है, ये अल्लाह का करम है, बुजुर्गान दीन का सदका है। दो चीजों से मैं पाक हूं, एक करप्ट और दूसरा क्रिमिनल। आपको पता है हर स्कैम में हर लीडर का नाम आया, अल्लाह ताला मेरे नाम को महफूज रखा। कोई ये कह नहीं सकता कि भाई ये किए हैं, इनको ये करप्शन है, इन्हें इसमें है, नहीं। क्यों? अल्लाह मेरी हिफाजत किया है, वही अल्लाह मेरी आगे भी हिफाजत करेगा। और ये कौम मायूस है, कौम अगर गलती भी करती है उसको सही रास्ते पर ले जाने का काम खादिमों का होता है। सर मेरा आखिरी सवाल, 30 करोड़ के मुसलमानों का आबादी, 30 नहीं है 34, 34 करोड़ के आबादी वाले मुसलमानों का ये मुल्क बदकिस्मती से कांग्रेस एक डिफॉल्ट पार्टी बन गया मुसलमान का, अगर इस तरह से हुआ तो क्या मुसलमान का मुस्तकबिल कैसे देखते, कमजोर हो जाएगा सिंगल पार्टी में? ऐसी तो मैं कह रहा हूँ ना, ये पहले से भी मेरी यही थी, तीसरी ताकत होना होना क्यों बोल रहा था। लेकिन आज कर्नाटक में आप तीसरी ताकत बचे नहीं ना, एक तरफ चले गए पूरे कुमार स्वामी के। अगर बचे रहते, अगर 40 सीट जनता दल को आई रहती तो हालात अलग रहते, सीएम इब्राहिम को पूछने की पूरी ताकत रहती। आज आप वो ताकत दिए नहीं, इसके बावजूद मैं अपनी ताकत को खोया नहीं। आज आप लोग बोल रहे नहीं, जो हुआ गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, आप मेरे हैं, आप मुझे छोड़े तो मैं आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कब्रिस्तान तक तो आप ही आ सकते हैं, खांदा आप ही दे सकते हैं। तो इसलिए मेरी कौम की मोहब्बत, मेरी कौम की दुआ, मेरी कौम गरीब है लेकिन ईमान की अमीर है। तो इसलिए मैं तमाम से वो अपील करता हूं, मायूस ना हो, वक्त अच्छा आएगा, हम लोग जो है मुत्तहद होकर जद्दोजहद करेंगे, कामयाब होंगे। सर सर आखिरी सवाल, हजारों कार्यकर्ता जेडीएस के जो आपके एक डिसीजन से मुंतजर, उनके लिए क्या मैसेज देंगे जो परेशान है? उनसे मुझसे मैसेज यही है, जनता दल के वर्कर्स को 16 तारीख के दिन इंतजार करें, फैसला होगा। देवगौड़ा जी से, कुमार स्वामी जी से बातचीत करेंगे, उसके बाद उनकी राय लेके फिर हम अपना फैसला सुनाएंगे।